मेरा ये छोटा सा आंगन को साफ कर लेता हूँ पहले पहले, बाद में दूसरा काम करूँगी। अब इसको पहले साफ कर लेता हूँ। यहाँ बहुत अच्छा है बैठने के लिए, जो बोगनवेला पेड़ है इधर फूल इतना बड़ा हो गया, पेड़ ही हो गया वो, इतना ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है, तो नीचे ऐसा ही गिरता रहता है। कभी कभी तो अच्छा भी लगता है, कभी कभी साफ करना पड़ता है। इसको पहले साफ कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ, वेलकम टू माय चैनल। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि आंनि गोदान भिडिअआव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलांबाय आङो नै। सामफ्रामबोनि खामानि, डेलि लाइफ स्टाइल बेखौनो दिन्थिनो नाजादों आङो। दा आङो सिथ्लाखौ सिबनानै लाग्रोनोसै। बेनो आंनि गुसेब सिथ्लाया, फारसेथिं दबैथिं सिथ्लाया गांसो दंजोबो, सिबाबाबो जायो। यही है मेरा छोटा सा आंगन। उस तरफ भी है, लंबा है, लेकिन वहाँ ज़्यादा घास है तो सब नहीं करने से भी हो जाता है। कभी कभार साफ कर लेता हूँ, एक हफ्ते में एक बार ऐसा, इधर रोज करना पड़ता है। यही है मेरा छोटा सा आंगन। घर भी हमारा छोटा सा है, दो रूम ही है हमारा घर। अभी दूसरा इसको करने के बाद दूसरा काम करूँगी। इधर हमने जो वो पार्क में लगाते हैं ना ग्रास, इसको लगा कर रखा है। हम लोग इसको चाइनीज ग्रास और कारपेट ग्रास भी कहते हैं, पता नहीं इसका नाम क्या है, मुझे मालूम नहीं, तो मैंने इसको इसी नाम से बोल दिया। पार्कआव गारग्रा गांसोखौ जोंहा गायनानै दोनफैदोंनि, दुब्रि गांसोखौ बिराद मोजां जायो। बे गांसोखौ गायबाथाय गुबुन हाग्राफ्रा रज'नो हाया, सिरखि बोनोनो हाया, ओंखायनो गायनानै दोनदों, जाहाथे बेलेग हाग्रा रज'यो। बेबायदि नङाबा बिराद लेथ्रा नुयो, गुबुन हाग्राफोर रज'बा। खिन्थु बेखौहाय कारपेट बायदिखाय बिराद समायना नुयो, अर लांगासिनो फुरा अर जोबबा बिराद समायना नुगोन। अर होलांनोसै आरो ना जोंना, बेखौ गुवार खालामलांथारगोन, बै लामासिम लांथारगोन। बिथिंहाय माखासे अन्थाइ दोनदों, अन्थाइ होदों, दैलाङाव दिगदार जायो गारि सालायनो, ओंखायनो ओमफ्राय फारसेथिं अन्थाइ होआखै, बेयावहाय बेखौहाय रज' होजोबनोसै। सब फूल ही है और इसका जो लीप है वो सूख गया, वो गिरते है, ज़्यादातर तो इसका लीप नहीं गिरते। उधर इधर भी है, इधर जो दंकल है इसके सामने भी मैंने लगा कर रखा है, रास्ते में बहुत अच्छा देख रहा है, लोग तो इसे पूछ रहे हैं, रास्ते से जाकर देखते हैं, पूछते हैं। और अभी तो इतना मौसम अच्छा हो गया, रोज आते हैं हमारे फूल को देखने के लिए। अभी मैं तो रखा कपड़ा दूंगी, इतना दिन से जो पहनकर रखा है, इतना बड़ा बड़ा दुखना, इसको धोने में इतना दिक्कत होता है हमको। हमारे लोग ऐसे ही पहनते हैं, इतना बड़ा बड़ा ड्रेस होने में इतने दिक्कत होता है, पहनना भी पड़ता है, अपना ड्रेस है। बाहर कभी कभार जाता हूँ तो दूसरा ड्रेस भी पहनती हूँ, लेकिन ज्यादातर घर में इसी को पहनकर रहता हूँ, इसलिए धोना पड़ता है। हो गया, अभी थोड़ा कंपोट लगाऊंगी ताकि थोड़ा सेंट अच्छा से आए कपड़ा। कंपोट लगाने से बहुत अच्छा स्मेल आता है, सेंट नहीं लगाने से भी हो जाता है, परफ्यूम नहीं लगाने से भी। मैं ऐसा ही दोता हूँ। उधर धान है जो मैं उस दिन वीडियो में दिखाया था, गांव से लिखाया था, इसको दो तीन दिन तक लगाना चाहिए धूप में, तो मैंने नहीं उठाया, इसी में है, आज भी लगाऊंगा। चार दिन पाँच दिन लगातार रहूंगा,
नहीं तो उसका जो साउल है वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए लगाना धूप में अच्छा से लगाना होता है इसको। देखिए हमारा फूल बोगेनविला बहुत अच्छा से फ्लावरिंग कर रहा है, इसका मैं एक्स्ट्रा से वीडियो बनाऊंगी। रोज रोज फोटो लेने को मन होता है इसमें सुबह शाम, लोग तो इसको देखने के लिए आ रहा है हमारे घर। मैं जब लोग आते हैं तो भूल जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, याद नहीं रहता। देखिए शाम हो गया, अभी मैंने धान को लगा कर रखा था, दो डाक है हमारे पास, वो लोग इतना धान खाता है। आखिर रात में जो वो गिरता है ना, क्या बोलता है, फोक, इससे वो पानी जैसा हो जाता है, इसलिए उसको ढक कर रखना पड़ता है बारिश जैसा थोड़ा थोड़ा। दोस्तों मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ लोगों की तरह। इसी मन से मैंने यूट्यूब खोला है, ताकि मैं भी सक्सेस हो पाऊँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सीख रहा हूँ अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मुझे भी प्यार दीजिए दोस्तों की तरह। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है, बाय बाय।